बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत, जो दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर आधारित एक आपातकालीन फिल्म में अभिनय करने के लिए तैयार हैं, ने अपने प्रशंसकों को चौंका दिया है। द इमरजेंसी का टीजर 14 जुलाई को जारी किया गया था और दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ इसकी अलौकिक समानता ने सभी को रोमांचित कर दिया था। आगामी फिल्म का कथानक 25 जून 1975 को दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल की आंतरिक स्थिति के इर्द गिर्द घूमता है। कंगना को उनके प्रशंसकों से बहुत प्रशंसा और प्यार मिला, जिन्होंने उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए उनकी सराहना की। हाल ही में कंगना ने अपने बचपन की दो तस्वीरें साझा की और दिवंगत प्रधानमंत्री के साथ अपनी समानता के बारे में खोला। स्कूल ड्रेस में फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, डरावना बड़ा होना, मेरे कई रिश्तेदारों ने शायद मेरे हेयर स्टाइल की वजह से मुझे इंदिरा गांधी कहा। आपातकालीन दूसरी फोटो में क्वीन एक्ट्रेस अपने बचपन की फोटो में सुपर क्यूट लग रही थी। उसने इंस्टाग्राम स्टोरी को कैप्शन दिया, जब मैं बच्चा था तब मैं किसी के बाल कटवाने का पीछा नहीं करती थी। मैं अकेले गांव के नाई के पास गई और उसे एक बाल कटवाने के लिए निर्देशित किया जो मुझे छोटा पसंद था। इसने परिवार में कई चुटकुले प्रेरित किए, जिनमें से अधिकांश विशेष रूप से सैन्य पृष्ठभूमि वाले सभी चाचाओं ने मुझे इंदिरा गांधी कहा। आपातकाल बाद में कंगना ने अपनी अगली फिल्म का टीजर भी साझा करते हुए लिखा, आपका परिचय जिसे आपने सर कहा। उन्होंने फिल्म के पोस्टर भी साझा किए और प्रशंसकों को फिल्म का बेसब्री से इंतजार था। श्रम के मोर्चे पर कंगना ने थलाईवी में तमिलनाडु की दिवंगत प्रधानमंत्री जयललिता की भूमिका निभाई। उन्हें आखिरी बार धाकड़ में देखा गया था, लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। फिल्म इमरजेंसी की बात करें तो फिल्म में अनुपम खेर, महिमा चौधरी, विशाख नायर और श्रेयस तलपड़े भी हैं।